नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक में। मैं रवि तिवारी करंट अफेयर्स की एक और श्रृंखला के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। वैसे मैं इस वीडियो को लाइव लेना चाहता था मैराथन क्लास में, और लाइव लेने के लिए मैं आया ही था। 45 मिनट के कड़े संघर्ष के बाद भी सर्वर की समस्या के कारण हम लोग लाइव नहीं हो पाए, लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पाया। नहीं तो मैं उत्तर प्रदेश के करंट और पूरे उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित एक मैराथन क्लास लेने के लिए यहां आया था। तब फिर यह तय किया गया कि इस वीडियो को आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही दे दिया जाए, क्योंकि परसों यूपीपीसीएस का पेपर है, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, तो आपको काफी लाभ होगा। तो मैं इस वीडियो को दो हिस्से में कर रहा हूं, एक घंटे का एक हिस्सा कर रहा हूं और एक घंटे का दूसरा हिस्सा कर रहा हूं, ताकि आप आसानी से देख सके, और जैसे ही वीडियो लाइव होता है मैं तत्काल इसको आपके पास पहुंचा दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी पक्षों का समावेश किया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है, चाहे वो कला और संस्कृति हो, चाहे वो भौगोलिक स्थिति हो, चाहे वो नदी घाटी परियोजनाएं हो, नदियां हो, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, बजट हो, वन रिपोर्ट हो, जनगणना हो, जितने भी उत्तर प्रदेश से संबंधित पुरस्कार है सभी को इन दोनों वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है, और बहुत महत्वपूर्ण ये श्रृंखला आपके लिए है। तो बहुत समय ना लेते हुए आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आप लोग भी जल्दी से इसके उत्तर करना शुरू करें। जिन प्रश्नों को समझाना है बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना, मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। जो सामग्री एक्सप्लेन करने की है आप उसको नोट करते चलेंगे। आइए इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित रक्षा कॉरिडोर से संबंधित नहीं है। देखिए, रक्षा कॉरिडोर से संबंधित छह जिले हैं, रक्षा कॉरिडोर से संबंधित छह जिले हैं। तरीका यह रहेगा कि कोई प्रश्न जब आएगा तो मैं प्रश्न पढ़ने के बाद स्क्रीन से हट जाऊंगा, ताकि उस प्रश्न का आप ठीक से अध्ययन कर सके, और मैं डिटेल को बोल दूंगा, आप उस डिटेल को पेंड आउट कर सके। पहला प्रश्न है, आप पढ़िए यहां पर, जिसमें लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित रक्षा कॉरिडोर या रक्षा गलियारे से संबंधित नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो प्रस्तावित रक्षा गलियारा या रक्षा कॉरिडोर है उससे छह जिले संबंधित है। क्लियर? कानपुर है, झांसी है, आगरा है, इसके अलावा और तीन जिले जो है वो आपका चित्रकूट है, अलीगढ़ है और लखनऊ है। कानपुर, झांसी, आगरा, चित्रकूट, अलीगढ़ और लखनऊ, ये छह जिले रक्षा कॉरिडोर या रक्षा गलियारे में शामिल है। तो इसका आपका सही उत्तर होगा मथुरा। मथुरा इसमें शामिल नहीं है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर दूसरा प्रश्न है आप सभी लोगों का, उत्तर प्रदेश में खैरबार या खरबार दोनों ही शब्द इस जनजाति के लिए मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में खैरबार या खरवार जनजाति दिए हुए जिलों में से किस जिले में निवास करती है, यह आपका दूसरा प्रश्न है। बताएं, पहले आप लोग उत्तर करें। चार विकल्प है, वलिया, सोनभद्र, संत रविदास नगर, जौनपुर। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? सोनभद्र होगा। सही उत्तर आपका क्या होगा? सोनभद्र होगा। सोनभद्र इसका सही उत्तर है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कार्यशील आबादी में महिलाओं का प्रतिशत क्या है, कितना है? तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कार्यशील आबादी में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 24.3%, है ना? कितना होगा? 24.3%। यहां पर एक और डिटेल मैं आपको देना चाहता हूं, अगर हम उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या में अगर आपसे महिलाओं का प्रतिशत पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 48% है, 48%, है ना? यहां पर आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कुल कार्यशील आबादी में महिलाओं का प्रतिशत 24.3% है, और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो आपका उत्तर कितना होगा? 48% उत्तर सही होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर चौथा प्रश्न है आपका, किराना घराना का मूल स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। कई बार ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा चुका है किराना घराना को लेकर, तो बताइए किराना घराना का संबंध कहां से है? एक बड़ा नाम पंडित भीमसेन सेन जोशी भी इसी घराने से संबंधित थे। क्लियर? तो ये सहारनपुर के किराना गांव में है ना, सहारनपुर जिले के किराना गांव से इसका संबंध है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सहारनपुर। अब मैं इसके बारे में कुछ जानकारियां आपको प्रेषित कर दूं। अब्दुल वसीम खान है ना, अब्दुल वसीम खान ने इसकी नींव रखी थी, है ना? अब्दुल वसीम खान, आप नोट कर लीजिए, प्रश्न पूछा जा चुका है। अब्दुल वसीम खान ने किराना घराने की नींव रखी थी, और पंडित भीमसेन जोशी इसी घराने से आते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा सहारनपुर किराना घराने से संबंधित है। किराना एक छोटे से गांव का नाम है।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका पांचवा प्रश्न, जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना कब शुरुआत किया गया था, है ना? क्या है? उत्तर प्रदेश ऋण मोचन योजना की शुरुआत, फसल ऋण मोचन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 17 अगस्त 2017 को, है ना? 17 अगस्त 2017 को योजना आई थी, और यह प्रश्न भी आपका एक बार पूछा जा चुका है पीसीएस के ही पेपर में। छठवां प्रश्न है यहां पर, उत्तर प्रदेश पर्यटन की अंतिम पर्यटन नीति कब घोषित की गई, है ना? पर्यटन की पर्यटन नीति 5 वर्ष के लिए घोषित की गई है, 5 वर्ष के लिए घोषित की गई है, जिस पर 5 वर्ष के लक्ष्यों को भी जो है क्या किया गया है, निश्चित किया गया है। तो कब घोषित की गई आपसे प्रश्न ये पूछा गया है, तो आपका सही उत्तर इसका होगा बताइए फरवरी 2018 में, फरवरी 2018 में नीति घोषित आपकी की गई है। और इसका लक्ष्य या उद्देश्य क्या है बताइए? तो आपका इसका लक्ष्य है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, मतलब यूपी को 2023 तक पर्यटन के मामले में देश का सबसे पसंदीदा प्रदेश बनाना। यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा इसकी थीम है, और 2023 तक यूपी को पर्यटन के मामले में सुरक्षित, सबसे आकर्षक और सबसे पसंदीदा राज्य बनाने के लिए 5 साल का लक्ष्य लिया गया है। और इस नीति की शुरुआत, पर्यटन नीति की शुरुआत फरवरी 2018 में की गई और लाई गई। आइए अगला प्रश्न है आपका सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पढ़िए। पहला है, उत्तर प्रदेश का सिंगरौली क्षेत्र देश के 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल है, क्लियर, बिल्कुल सही है। दूसरा, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के सरधना में कराया, बिल्कुल सही है, यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है ना। तीसरा, उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना लखनऊ में की गई, गलत है, यह स्थापना आप सभी लोग जानते हैं गाजियाबाद में की गई, यह स्थापना कहां पे की गई, गाजियाबाद में की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश मतलब देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहां किस राज्य में स्थापित किया गया, तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित किया गया, तो गाजियाबाद में। चौथा, उत्तर दक्षिण तथा पूरा पश्चिम गलियारे जो है झांसी में मिलते हैं, बिल्कुल सही है, समांतर चतुर्भुज कॉरिडोर जो गलियारे होते हैं वो कहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मिलते हैं झांसी। तो यहां पर जो सही आपका जो है तीन सही है, और कौन सा सत्य नहीं है, तीसरा आपका सी जो है वो सत्य नहीं है। आइए आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित कीजिए, ठीक है, कर देते हैं। यहां पर देखिए लिखा है सबसे पहले उत्तर पश्चिमी, देखिए उत्तर प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी नाम था वो 1836 का था, है ना, ये 1836 का था, ध्यान दीजिएगा। उत्तर पश्चिमी के बाद फिर जो बात आती है 1877 में ये आगरा अवध संयुक्त प्रांत बना था आपका, आगरा अवध संयुक्त प्रांत ये 1877 में बना था। फिर इसके बाद ये 1900 में सबसे पहले संयुक्त प्रांत बना, तो 1937 में ये संयुक्त प्रांत बना था, और 1950 में ये उत्तर प्रदेश बना था। तो फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं, ये प्रश्न आपका आता है, देखिए 1836 में उत्तर पश्चिमी भाग बना, फिर 1877 में आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के रूप में जाना गया, 1937 में संयुक्त प्रांत बना, और 1950 में उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के रूप में बना। अब इस हिसाब से अगर हम इस कूट संकेतन को देखें तो आप बताइए कौन सा कूट संकेतन आपका सही होगा, तो सी वाला कूट संकेतन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आइए, इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन वर्ष 1892 में हुआ, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। एक मिनट, आपको प्रश्न पूरा नहीं दिख रहा है, मैं स्लाइड को थोड़ा सा इधर करता हूं। हाँ, अब आपको प्रश्न पूरा दिख, चलिए फिर से पढ़ते हैं। पहला है, इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन 1892 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे, बिल्कुल सही है प्रयागराज। वाराणसी में कांग्रेस अधिवेशन 1905 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, सही है, आपको कांग्रेस के अधिवेशन और उसके अध्यक्ष वैसे भी पूछे जाते हैं। तीसरा, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन 1936 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, यह गलत है, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे, इसके अध्यक्ष जेएल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो यह तीसरा वाला जो डिटेल है वो आपका गलत है। चौथे में क्या लिखा है,
मेरठ में कांग्रेस अधिवेशन वर्ष 1946 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। बिल्कुल सही है। तो आपका कौन सा इसमें से कूट गलत है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो आप कहेंगे सी कूट हमारा क्या है यहां पे गलत है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर दसवां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक की वृद्धि हुई। 2001 से 2011 की पूछी गई है, 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी वृद्धि हुई। तो बताइए इसका सही उत्तर होगा 11.41% की वृद्धि यहां पे दर्ज की गई। यह प्रश्न दो बार आप सभी लोगों से पूछा जा चुका है। आइए अगला प्रश्न है 11वां। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्ष में कैबिनेट बैठक में 10 सितंबर 2019 को, एक करंट का क्वेश्चन है आपका यूपी का, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 को मंजूरी प्रदान की गई। उपयुक्त नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लियर है? आइए तो देखिए, पहला कथन है दहा कृषि निर्यात का उद्देश्य वर्ष 2024 तक 24 मिलियन डॉलर के वर्तमान मूल से दुगना करना है। बिल्कुल सही है। दूसरा, नीति के तहत क्लस्टर फायरिंग को बढ़ाकर बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसको बिल्कुल तय किया है 24 सूत्रीय कार्यक्रम में। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के से होने वाले उत्पादन का 40% तक निर्यात किया जाता है, तो अधिकतम 25 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका डी होगा, है ना? डी उत्तर हो सही होगा, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, बजट 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश का जो राज्य का जो बजट आया था, उस बजट का आकार आपका क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा, हाँ पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा, पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा 4। आप डिजिट याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, 4797701.10। क्लियर? जो पिछले वाले बजट से 12% अधिक है और अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। जो पिछले वाले बजट से 12% अधिक है, अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रतिशत अधिक है, 12% अधिक है और ये अभी तक का सबसे बड़ा आकार का बजट है। आइए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश बजट 2019-20 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। देखिए, सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है कि ये कहां है। उत्तर प्रदेश बजट 2019-20 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, सबसे पहले तो ये कहां स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, ये लखनऊ में आपका स्थित है, राजधानी में स्थित है। कहां पे? लखनऊ में। और यहां पर इकाना स्टेडियम भी स्थित है, आपको याद है ना? उसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है? जल्दी से उत्तर करें। हाँ, आप सभी लोग जानते हैं कि उसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है, एकाना क्रिकेट स्टेडियम, जो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है लखनऊ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप आइए 14वां, प्रयागराज में 29 जनवरी 2019 को यूपी कैबिनेट की बैठक में 600 किलोमीटर लंबे दुनिया के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। कितने किलोमीटर? 600 किलोमीटर, है ना? यह कहां से कहां तक है? देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मेरठ अमरोहा से प्रारंभ होते हुए ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ेगा, है ना? तो प्रयागराज से मेरठ इसका सही उत्तर होगा, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये प्रयागराज संगम नगरी को क्या कर देगा? जोड़ देगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में पुनर्वास तक ट्रिपल तलाक के पीड़ितों के लिए कितने रुपए की वार्षिक सहयोग राशि देने की घोषणा की है बताइए? तो इसका सही उत्तर है ₹6,000, है ना? 6,000 रुपए, हाँ, वार्षिक की, पुनर्वास तक 6,000 रुपए वार्षिक तक की राशि इन लोगों को दी जाएगी। आइए, ये सारे बजट से क्वेश्चन है आपके, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जहां हाल ही में नवंबर में 2019 के पहले सप्ताह में येलो हेल्थ एटीएम शुरू किया गया। येलो हेल्थ एटीएम के दो भाग हैं, एक इसमें 6 मिनट का भाग होता है और एक इसमें 9 मिनट का भाग होता है, है ना? ये हजरतगंज रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है, है ना? ये लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है। यदि रेल लेट है और आपके पास समय है तो आप बहुत न्यूनतम शुल्क में अपना बॉडी चेकअप करा सकते हैं। दो तरह के चेकअप के मानक है, एक 6 मिनट का चेकअप है और एक 9 मिनट का चेकअप है। तो अगर आपसे पूछा जाए येलो हेल्थ एटीएम
किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है और स्वास्थ्य चेकअप से संबंधित है और कहां पे है बताइए, लखनऊ में है, लखनऊ के स्टेशन पे यहां पे खोला गया है। आइए अगला करते हैं। 11 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ कहां किया गया बताइए। रहा तो इसका सही उत्तर होगा मथुरा। मथुरा सारे प्रश्न आप याद करते चलिए, जहां पर व्याख्या की बात होगी मैं जरूर व्याख्या करूंगा। 13 जून 2019 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कहां पर अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान के नाम से नए उद्यान की स्थापना हेतु प्रस्ताव मंजूर हुआ बताइए। हाँ, गोरखपुर, गोरखपुर में। इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा। 19वां प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगस्त 2019 में किस देश की यात्रा की, रूस। इसका सही उत्तर क्या होगा, रूस। रूस की यात्रा पर अपने मुख्यमंत्री जी रहे है ना। चलिए 20वां प्रश्न यहां पर लेते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 अक्टूबर 2019 को प्रदेश भर में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ध्यान दीजिएगा इस योजना की शुरुआत की। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, इसके तहत हर गरीब की बेटी को जन्म से स्नातक तक की पढ़ाई करने पर अलग अलग चरणों में कुल 15,000 रुपए मिलेंगे, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस योजना को लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ जोड़ा गया। देखिए ये योजना शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है, इसके शब्दों से कंफ्यूज मत होना चाहिए, हो जाइएगा। जब सुमंगला लिखा होता है तो हम इसको विवाह से संबंधित करते हैं, विवाह से संबंधित नहीं है बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला भी। तीसरा, मुख्यमंत्री ने योजना से जुड़ा पोर्टल लॉन्च किया और लाभार्थियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र भी सौंपे, तीनों ही विवरण बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सही, उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2018 के पुरस्कारों की घोषणा 20 सितंबर 2019 को की गई, इन पुरस्कारों में भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया है ना। देखिए बिहार पटना के है ना, बिहार पटना के उषा किरण खान, बिहार पटना की उषा किरण खान जी को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। यह पटना बिहार से संबंधित है, डॉक्टर उषा किरण खान जी को यह पुरस्कार दिया गया। आइए 22वां प्रश्न है आपका, बिंधाव जलप्रपात कहां स्थित है, कई बार यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है ना। मिर्जापुर में बिंधाव जलप्रपात आपका स्थित है, मैं बार बार कह, एक बार और मैंने इस प्रश्न को आपको हल कराया था। मिर्जापुर को जलप्रपातों का जिला भी कहा जाता है, यहां पर और भी जो है देवदारी टांडा कुसेहरा जलप्रपात और है। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, मिर्जापुर, यहां पर देवदारी टांडा और कुसेहरा ये तीन और प्रमुख जलप्रपात है, तो इसे जलप्रपातों वाला जिला कहा जाता है, क्लियर। एक तो ये बात, दूसरी बात यहां पर एक और आप चीज समझ लीजिए कि चनौली जो है यहां पर राजदारी जलप्रपात है, यह भी आपसे पूछा गया है। हाँ, चनौली में कौन सा जलप्रपात है, तो यहां पर राजदारी जलप्रपात आपका पाया जाता है, यह प्रश्न भी जो है आपसे क्या है बार बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए, मिर्जापुर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते, 23वां, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। नदियों से संबंधित मैं बहुत सारे विवरण आपको एक साथ दे देता हूं। पहले तो आप समझ लीजिए कि सबसे प्रदूषित नदी है आपकी यमुना, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी। आप लोग कभी कभी गंगा टिक कर देते हैं लेकिन सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, यमुना। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा नगर 28 नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है, जबकि 19 नगर आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है ना। 28 नगर गंगा नदी के किनारे, 19 नगर यमुना नदी के किनारे आपके स्थित हैं। चलिए फिर एक और चीज देख लीजिए, यमुना जो है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा का निर्माण करती है। आपसे ये भी पूछा गया है कि यमुना नदी किस किस प्रदेश की सीमा बनाती है, उत्तर प्रदेश हरियाणा। यहां पर जो चंबल नदी है वो तीन राज्यों की सीमा बनाती है, कौन कौन सी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो आपसे यह भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की वह नदी जो तीन राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है, तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए, चंबल। और किस किस राज्य की सीमा बनाती है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, हां मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्लियर। एक और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गंगा, कानपुर गंगा के किस किनारे पर स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा कानपुर जो है वो गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है और वाराणसी जो है
वो गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। क्लियर। आपकी राजधानी जो है लखनऊ वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये अभी आपसे पूछा गया है। राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और दो और ऐसे आपके जो है जिले हैं जो गोमती नदी के किनारे स्थित है, कौन कौन से? सुल्तानपुर और जौनपुर। तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ, सुल्तानपुर, नोट करते चलिए, और जौनपुर स्थित है। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर स्थित है, ठीक है। ये तीन जो है आपके जो है जिले जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है। तो अब तक जो है लगभग लगभग ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। सबसे बड़ी नदी गंगा है ना। अब जो गंगा है, आपसे अगर ये पूछा जाए कि गंगा उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गंगा का जो प्रवेश है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है, किस स्थान से होता है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? बिजनौर होगा। बिजनौर इसका सही उत्तर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे डिटेल थे, करीब एक प्रश्न में 6-7 प्रश्न आपके क्लियर हो गए हैं। इसको देखिए, आइए आगे। 24वां, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और कहां स्थित है? यह प्रश्न आपसे दो बार पूछा जा चुका है ना, तो आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है वो रामगंगा बांध है, 128 मीटर। क्लियर। ये रामगंगा नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? रामगंगा नदी पर स्थित है। कहां पर रामगंगा नदी पर? बिजनौर में। ये रामगंगा नदी पर स्थित है, कहां पर? बिजनौर में है। बाकी ये सब भी समझ लीजिए। जो रिहंद बांध है आपका, रिहंद बांध, हाँ, सोनभद्र में के पिपरी में स्थित है, रिहंद नदी पर। रिहंद बांध सोनभद्र के पिपरी में स्थित है, पिपरी में, रिहंद नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है, हम सभी जानते हैं बेतवा नदी और माता टीला ललितपुर जिले में, झांसी ललितपुर, ललितपुर जिले में माता टीला जो बांध है वो बेतवा नदी पर स्थित है। जिरगा जलाशय, जिरगा जलाशय जिरगो नदी पर स्थित है। जिरगो एक छोटी सी नदी है ना, जिरगो नदी पर स्थित है जिरगा जलाशय बांध। और ये कहां है इसकी अवस्थिति? ये मिर्जापुर में है। कहां पे है? मिर्जापुर में ये बांध स्थित है आपका, मिर्जापुर। चारों विवरण याद रखिएगा क्योंकि इनसे प्रश्न आपका लगातार पूछा जाता रहा है। आइए 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पहला पक्षी विहार कौन सा है? रिवाइज कर लीजिए। चलिए, पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार, बैंती पक्षी विहार, लाग बहोसी, पटना। तो देखिए, सबसे पहला जो पक्षी विहार है वो उन्नाव में है, नवाबगंज, 1984। देखिए ये सबसे पहला है 1984 और ये उन्नाव में है, ध्यान दीजिएगा। इन चारों की कुछ ना कुछ विशेषता है। जो बैंती पक्षी विहार है इसकी भी अपनी विशेषता है, ये 2002 में है, ये सबसे नया है, कुंडा प्रतापगढ़। 2002 बैंती, कुंडा, प्रतापगढ़। और इसकी विशेषता यह है कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे नया कौन सा है, तो यह है लाख बहुसी जो पक्षी विहार है यह सबसे पुराना है ना। सबसे लाख बहुसी पक्षी विहार जो है, क्षमा करिएगा मैं एक बार फिर से इसको क्लियर कर दूं, लाख बहुसी पक्षी विहार है जो कन्नौज में है, 1988 में इसका निर्माण हुआ था। सबसे पुराना नहीं, सबसे पुराना तो आपका ये है, 1988 में इसका निर्माण हुआ था। और ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और ये जो पटना पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश के एटा में है, और ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना तो नवाबगंज 1984, सबसे बड़ा है ना तो लाख बहोसी 1988, अगर पूछा जाए सबसे नया तो बैंती पक्षी विहार है 2002 कुंडा में, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है तो पटना पक्षी विहार है जो कि एटा में है। क्लियर है बात? चलिए आइए आगे बढ़िए। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर देवा शरीफ मेले का आयोजन किया जाता है? चलिए यह प्रश्न तो कई बार हम लोग कर चुके हैं, बताएं आप लोग, चलिए इसका उत्तर बताएं। बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर और सबसे नीचे है आपका आगरा, बताएं। देखिए जो चारों शहर आपको दिए गए हैं, हाँ, इन चारों शहरों में मेले आयोजित होते हैं। जैसे बलरामपुर में देवी पाटन का मेला आयोजित होता है, देवी पाटन, यहां पर पशु मेला आयोजित होता है, आगरा में पशु मेला आयोजित होता है, बटेश्वर,
ऊंट से संबंधित होता है, बटेश्वर पशु मेला। बहराइच हम लोग जानते ही हैं, है ना, इसका तो सही उत्तर बाराबंकी है, क्लियर। देवी देवा शरीफ मेला कहां आयोजित होता है, बाराबंकी में। बहराइच में जो मेला आयोजित होता है वो सैयद सालार, सैयद सालार मेले का जो आयोजन होता है वो कहां पे होता है बताइए, यहां पे, वो बहराइच में होता है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, ए होगा। तेजी से आगे बढ़ते चले, 27वां प्रश्न है आपका। चलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, इसमें भी आप लोग गलती करते हैं, कई बार आप लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लगा देते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी, और ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है आपका उत्तर प्रदेश का, केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्लियर। फिर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कभी कि बनारस की जो स्थापना कब हुई थी, एक बार पूछा गया है, तो ये 1916 में हुई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। आई, इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, इलाहाबाद। 28वां प्रश्न, मई 1, 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल, किस जिले में, बलिया, बलिया में। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन जो परिवार है, जो बीपीएल से नीचे के जो है खाता धारक है, उनको निःशुल्क गैस उपलब्ध कराने के लिए, गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लाया गया था, ताकि उन महिलाओं की जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया जा सके और उनके स्वास्थ्य को सुधारा जा सके। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, चलिए यह प्रश्न पूछा गया है, तो भारत कला भवन संग्रहालय कहां पे है, वाराणसी में। वाराणसी में एक और चीज है जिसको हम कहते हैं भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर, भारत नाम से ये दो जो है कलाकृतियां वहां पर स्थित है। सबसे पहले समझ लीजिए भारत भवन संग्रहालय के बारे में, है ना। भारत भवन संग्रहालय का जो निर्माण था, उस भारत भवन संग्रहालय का निर्माण कृष्णदास राय जी ने 1920 में कराया था, कृष्ण दास राय जी ने 1920 में कराया था, और भारत माता मंदिर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1936 में राष्ट्र को समर्पित किया था। भारत माता मंदिर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1936 में जो है क्या किया था, राष्ट्र को समर्पित किया था। यह 1920 की कृति है, क्लियर। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए, वाराणसी, बनारस। 30वां प्रश्न, सारनाथ स्थित है, कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है सारनाथ। देखिए, सारनाथ का अपना इतिहास है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ये यूपी की कला और संस्कृति से संबंधित है, नोट कर लीजिए मैं बोल रहा हूं। देखिए, हाँ, सारनाथ का जो इतिहास है वो अपने आप में है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित एक तीर्थ स्थल है सारनाथ, यहां पर महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस उपदेश को, धर्म चक्र प्रवर्तन, क्लियर, इस उपदेश को कहा जाता है। इसके अलावा फिर समझ लीजिए, अशोक जो मौर्य शासक था, उस मौर्य शासक अशोक ने यहां की यात्रा करी और यहां पर कई स्तूप और स्तंभ बनवाए, जिसमें शीर्ष स्तंभ जैसे स्तंभ बहुत प्रसिद्ध है, और यहां से बहुत सारी जानकारियां इतिहास के रूप में हमें इतिहास के लिए प्राप्त होती हैं, क्लियर। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है बताइए, उत्तर प्रदेश है, क्लियर। यहां पे एक चौखंडी स्तूप भी है, है ना, चौखंडी स्तूप भी है, जो गुप्त काल में, जो बनाया तो गया था मौर्य काल में, लेकिन गुप्त काल में अपनी भव्यता को प्राप्त हुआ, चौखंडी स्तूप भी यहां पर स्थित है। आइए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करिए, चलिए बिल्कुल कर दिया जाएगा। क्या लिखा है बताइए, बिरहा, बताइए। अब देखिए, बिरहा कहां गाया जाता है, तो देखिए, बिरहा भोजपुरी, बिल्कुल सही है, कजरी अवधि, यह भी सही है, मल्हार जो होता है या ब्रसिया, वो ब्रजी में गाया जाता है, और आल्हा बुंदेलखंडी में, है ना, बुंदेलखंड में गाया जाता है। महोबा के दो भाई थे आला और उदल, और उनकी जो वीर कथाएं हैं उसको आला उदल कहा जाता है बुंदेलखंड में। तो एकदम सही क्रम है, 1, 2, 3, 4, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में किस जिले से की गई, स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में किस जिले से की गई पीएम मोदी जी द्वारा, बताइए, उत्तर करिए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, गला थोड़ा सा सूख रहा है, तब तक आप लोग उत्तर करें। इसका सही उत्तर आपका होगा लखनऊ,
क्या होगा? लखनऊ। सही उत्तर क्या है? लखनऊ है। आइए 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एएसआई द्वारा चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया, अभी मैंने बताया था कहां पे है, यह भी वाराणसी में है और वाराणसी के सारनाथ में भी है और अभी इसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। मौर्य काल में इसको बनवाया था, लेकिन बनवाया गया था लेकिन अपनी भव्यता को इसने गुप्त काल में प्राप्त किया। ये ईंटों की एक आकृति है जो घटते से बढ़ते हुए आकार में बनी है, जो चौकोर है, जिसे चौखंडी स्तूप कहा जाता है। आइए एएसआई को द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है आपका। यूएनसीसीडी के कॉप 14 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? ग्रेटर नोएडा। यह उत्तर प्रदेश के आयोजन है, ग्रेटर नोएडा इसका सही उत्तर होगा। 35वां प्रश्न है आपका। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण किया जा रहा है? गोरखपुर में। गोरखपुर इसका सही उत्तर होगा। यह प्रश्न अभी एक बार आ चुका था, फिर से आया है। 36वां प्रश्न, भारत के पहले हाथियों के लिए जल अस्पताल का निर्माण कहां किया गया? बताइए, भारत के पहले जल अस्पताल का निर्माण जो कि हाथियों के लिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जल अस्पताल किससे संबंधित है तो पहले तो समझ लीजिए हाथियों से संबंधित है। अब आपसे पूछा गया है कि भारत के पहले हाथियों के लिए जल अस्पताल का निर्माण कहां किया गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? बताइए, मथुरा। आई तेजी से आगे बढ़ते हैं, यहां समझाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है और जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, करते चलिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आईआईटी बीएचयू में किस नाम से एक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है? हम अच्छे से जानते हैं कि वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसका सही उत्तर होगा परम शिवाय। परम शिवाय अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो एक किसी जो है तपस्या का नाम नहीं है बल्कि आईआईटी बीएचयू द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है? परम शिवाय। और पीएम मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। क्लियर है? चलिए आइए। लिखा है 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? देखिए, तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया था 21 से 23 जनवरी के बीच में। क्लियर? वैसे तो ये आयोजन 9 जनवरी को प्रतिवर्ष किया जाता है क्योंकि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्लियर? लेकिन इस बार ये आयोजन 21 से 23 जनवरी को किया गया। पहले ये समझ लीजिए कि 9 ही जनवरी को ये आयोजन किया जाता है क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को इसी तारीख को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे, उसी स्मृति में इसको मनाया जाता है। 2003 में इसको मनाने की शुरुआत हुई थी जब यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। क्लियर? अब इस बार से केवल 21 से 23 जो है जनवरी को मनाया गया था क्योंकि उस समय महाकुंभ यहां पे लगा हुआ था और लगभग 80 देश के राजनयिक आए थे, उनको वाराणसी के सम्मेलन से कुंभ दर्शन कराने थे, तो सरकार पर अतिरिक्त खर्चा ना पड़े और अतिरिक्त सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो, इसीलिए इस तारीख को इस वर्ष बदलकर 21 से 23 जनवरी रखा गया था। सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री थी और अब हमारे बीच नहीं है, भारत की विदेश मंत्री, उन्होंने पहले प्रतिवर्ष मनाया जाता था लेकिन उन्होंने अब घोषणा की थी कि प्रति 2 वर्ष में मनाया जाएगा, तो 2020 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन नहीं किया जाएगा। क्लियर है? 39वां प्रश्न, पीएम मोदी ने पहरी बांध आधुनिकरण प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया यह किस नदी पर है? बताइए, पहरी बांध आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट अभी हाल ही में चर्चा रहा, बताइए कहां पर है ये? हाँ, ये बेतवा की सहायक धसर नदी पर है। कहां पर? ये बेतवा की सहायक धसर नदी या धासर नदी पर बनाया जा रहा है। आइए, किस राज्य की सरकार द्वारा साथी संदेश वाहिनी जो योजना है वो किस राज्य की सरकार द्वारा? उत्तर प्रदेश। और इसका उद्देश्य क्या है इस यात्रा का? परिवार नियोजन, इस यात्रा का उद्देश्य परिवार नियोजन के लिए यात्रा निकाली जा रही है। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से लोगों को जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताना और परिवार नियोजन की सलाह देने के लिए उत्तर प्रदेश ने एक जागरूकता यात्रा निकाली है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसको कहा गया साथी संदेश वाहिनी। उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, बी। अगला प्रश्न है हमारा 41वां, पीएम द्वारा गंगाजल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया? बताइए, गंगाजल प्रोजेक्ट, ये गंगाजल मूवी वाला गंगाजल प्रोजेक्ट नहीं है, बताएं, सही उत्तर करें, आगरा।
गंगाजल प्रोजेक्ट कहां का है? आगरा का है। आइए 42वां प्रश्न है, हाँ, पेट्रोटेक 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया बताइए। पेट्रोटेक 2000 ग्रेटर नोएडा, हम सब पेट्रोटेक के बारे में जानते हैं, बहुत व्याख्या की यहां पे आवश्यकता नहीं है। आइए 43वां प्रश्न है, AK-203 राइफल्स गन फैक्ट्री का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? ये सब करंट के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अमेठी इसका सही उत्तर होगा। आइए अमेठी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय पुलिस विद्या विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जा रही है बताइए। भारत के पहले राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य में की जा रही है, ग्रेटर नोएडा स्थान पर की जा रही है। कहां की जा रही है? उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रेटर नोएडा स्थान पर। जरूर याद रखिएगा, ये आएगा, पुलिस सुधार पर उत्तर प्रदेश इस समय काफी कार्य कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं 45वां प्रश्न, रक्षा गलियारे की नींव पीएम ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी थी बताइए। रक्षा गलियारे की नींव पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के कहां रखी थी? झांसी में रखी थी। ठीक है, झांसी। अभी मैंने रक्षा गलियारे में बताया कि 6 जिले इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय यूनानी मेडिसिन संस्थान का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? ये सब स्थान से संबंधित प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा आपका गाजियाबाद। क्या है? गाजियाबाद में। ये स्थान विशेष से संबंधित प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के चर्चित स्थान। आइए 47वां, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस बीमारी के प्रति जागरूकता के लिए दस्तक अभियान की शुरुआत की? तो देखिए, दस्तक अभियान की शुरुआत किससे संबंधित है अगर आपसे पूछा जाए? स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे संबंधित? स्वास्थ्य। और ये जापानी इंसेफ्लाइटिस और चमकी बुखार से संबंधित है। मैंने अभी परसों के वीडियो में आपको बताया था, दोनों से संबंधित है, तो उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर होगा। AES है ना, एक जो है क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है चमकी बुखार का। इस बार ये बिहार राज्य में बहुत फैला है ना, बिहार राज्य में बहुत फैला, और इससे नष्ट होने वाला जो शरीर का अंग है वो होता है केंद्रीय तंत्र का तंत्र। केंद्रीय तंत्र का तंत्र, इसके लिए जो टीका बनाया जा रहा है उस टीके का नाम है जैनवेक। जैनवेक टीका इसके लिए बनाया जा रहा है, जैनवेक टीका। 48वां, सी प्लान ऐप किस राज्य की सरकार द्वारा लागू किया गया है? सी प्लान ऐप जो है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा लागू किया गया है, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ऐप है। सी प्लान ऐप उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है, और ये किसका है? यूपीपी का ऐप है। क्यों बनाया जा रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए ऐप बनाया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न है आपका, चलिए तेजी से हल करते चलिए, 49वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश पर्यटन की टैगलाइन क्या है बताइए। उत्तर प्रदेश पर्यटन की टैगलाइन है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। कितनी भी रात हो जोश रहना चाहिए, हम लोग जुटे हैं, आप भी जुटे रहिए, जोश रहना चाहिए। बताइए क्या है? यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। आइए आगे बढ़ते हैं 50वां प्रश्न है, 75 पर रुकेंगे हम लोग, सुमेलित कीजिए। हाँ बताइए, कर्मानृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश, चारकुला नृत्य मिर्जापुर, सोनभद्र, धोबियाराग, बुंदेलखंड, आलहा, ब्रच्छित, बताइए इसका सही सुमेलन आपका क्या होगा जो इस प्रश्न है बताए। हाँ, प्रश्न नंबर 50 पर हम लोग बात कर रहे हैं, बताइए इसका सही सुमेलन होगा आपका डी। इसका सही सुमेलन क्या है आपका बताइए? डी इसका सुमेलन आपका सही है, जिसमें लिखा है 2, 4, 1, 3 है ना। कर्मानृत्य, चलिए चारकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र है ना, धोबिया पूर्वी और आलहा बुंदेलखंड, क्लियर, ये इसका सही सुमेलन होगा आपका। चलिए 91वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये मेरी किताब है, जिसको खरीदनी हो बड़ी आसानी से खरीद सकता है, 9452275777 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे या तो बुक लिख के भेज दीजिए या कॉल कर दीजिए। आप पूरे जीवन में याद रखेंगे कि रीजनिंग की एक बेहतरीन बुक किसी भी एग्जाम के लिए आपने प्राप्त की थी, और आप इसको किसी को दे भी सकते हैं, वो भी आपको याद रखेगा। चलिए बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा बुक के बारे में, स्वयं की किताब है, आप लोग फीडबैक पढ़ सकते हैं। आइए, उत्तर प्रदेश में वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना कहां की जा रही है? एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए बताइए। उत्तर प्रदेश में वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना बनारस में की जा रही है, वाराणसी में की जा रही है। इसका सही उत्तर क्या है बताइए? वाराणसी। तेजी से 92वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं,
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 में कितने विनिर्माण जोन घोषित किए गए थे बताइए, कितने विनिर्माण जोन घोषित किए गए थे? तो यहां पर 3 विनिर्माण जोन घोषित किए गए थे। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 में कितने विनिर्माण जोन घोषित किए गए थे, 3 विनिर्माण जोन घोषित किए गए थे। आइए 53वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर। यूरेनियम का भंडार कहां पे है? ललितपुर में। वैसे खनिज के मामले में बता दूं उत्तर प्रदेश एक निर्धन राज्य है, कुल खनिज उत्पादन का, भारत के कुल खनिज उत्पादन का केवल 1% ही उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है, ललितपुर यूरेनियम के लिए जाना जाता है। आइए एक छोटा सा जिला है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के पहले उर्दू अखबार सदरुल का प्रकाशन किस शहर से किया गया था, होता था या किस शहर से किया गया था? 54वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बताइए, हाँ पहला ये उर्दू का अखबार था तो इसका कहां से? वाराणसी से। वाराणसी, बनारस अखबार और उत्तरण मातंड को भी याद रखिएगा, उत्तरण मातंड कलकत्ता से पहला अखबार, और पहला हिंदी अखबार जो था उत्तर प्रदेश का वो बनारस अखबार था, इसके बारे में भी चर्चा अभी आगे आएगी। आइए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, चलिए बिल्कुल देखते हैं। हां कैलाश मेला आगरा, शाकंभरी मेला सहारनपुर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको यह बताना है, क्लियर है? हां 55वां प्रश्न है आपका, सैयद सालार मेला भी हम लोगों ने देखा बहराइच, महावीर झंडा मेला सारनाथ, ये सारनाथ पे नहीं है, चौथा गलत है, ये संडीला नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है, संडीला उत्तर प्रदेश के संडीला नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। चौथा सम्मेलन जो आपका है क्या है, गलत है, ये मेले आप याद रखिएगा, 3 मेले इससे पहले हमने पढ़े थे और ये 3 मेले यहां पर, 6 मेले हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे भी और चर्चाएं इसकी अभी आएंगी। आइए, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पान का उत्पादन किस जिले में होता है? महोबा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पान का उत्पादन किस जिले में होता है? तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए, महोबा, क्लियर है? आइए तेजी से आगे बढ़ते हैं। 57, देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सिंचाई की जाती है नलकूपों द्वारा, है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे की जाती है? नलकूपों द्वारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, 58वां प्रश्न है, हाँ चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, चलिए ये सामान बनाने से संबंधित है, काष्ठ नक्काशी 4 है आपका, काष्ठ नक्काशी का सामान सबसे ज्यादा कहां मिलता है? सहारनपुर में मिलता है। चलिए फिर बताइए, खेल का सामान कहां मिलता है? मेरठ में मिलता है, कालीन उद्योग भदोही में है, और कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद में है, क्लियर? तो आप सही कूट उस हिसाब से आप लोग देख के उत्तर कर दीजिए, सही कूट होगा आपका पहला 2, 3, 4, 1, पहला कूट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए 59वां प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्याय ग्राम की आधारशिला रखी गई? उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्याय ग्राम की आधारशिला रखी गई? तो इसका सही उत्तर आपका होगा लखनऊ में, लखनऊ में न्याय ग्राम, त्वरित न्याय। 60वां प्रश्न है आपका, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां स्थित है बताएं, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका होगा नोएडा में स्थित है, कहां स्थित है? नोएडा में स्थित है। आइए 61वां, 17वीं विधानसभा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी कौन थे बताएं, अभी आईबी के पेपर में सवाल पूछा गया था, टी वेंकटेश जी, टी वेंकटेश जी इसका सही उत्तर होगा, व्यक्ति विशेष से संबंधित है, समझाने के लिए ज्यादा नहीं है। 62वां प्रश्न, दीनदयाल हस्तकला संकुल किस जिले में स्थित है? यह भी पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है 2 बार का, वाराणसी, सही उत्तर क्या होगा, वाराणसी, 3 कलाकृतियां 3 वाराणसी की हो चुकी है। 63वां प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कैलाश मानसरोवर भवन, हाँ कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण किया जा रहा है बताइए, कैलाश मानसरोवर भवन कहां बनाया जा रहा है? गाजियाबाद में बनाया जा रहा है, कहां बनाया जा रहा है? गाजियाबाद में। आइए 64वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना की शुरुआत कब की गई थी? हाला उत्तर प्रदेश, एक बार चूंकि क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बताइए, 17 अगस्त 2017 को। आइए 65वां प्रश्न है आपका, देवबंद आंदोलन यूपी किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 2 विवरण यहां से संबंधित है जो आपसे लगातार पूछे जाते हैं देवबंद आंदोलन से, क्लियर, ये 1866 में हुआ था, हां
मौलाना हुसैन अहमद ने इसकी स्थापना की थी 1866। डी ऑप्शन सही होगा, मौलाना मौलाना हुसैन अहमद जी द्वारा इसको शुरू किया गया था, है ना, अहमद जी। और इसी समय इसी के साथ दारुल उल उलूम की स्थापना भी की गई थी, यह भी आपसे पूछा जाता है। दारुल उल उलूम की स्थापना भी की गई थी, यह भी आपसे पूछा जाता है। 66वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइए। जोश मलिहाबाद से संबंधित थे, सही है। जिगर मुरादाबाद से संबंधित थे, चकबस्त लखनऊ से संबंधित थे। रघुबत शाह फिराग, फिराग गोरखपुरी, ये गोरखपुर से संबंधित थे, ये गोरखपुर से संबंधित थे, कानपुर से नहीं थे। और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक थे, है ना। तो सही सुमेलन कौन सा नहीं है आपका, 66वां सुमेलन सही नहीं है। आइए 67वां, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही, दो, एक तो सुचेता कृपलानी जी, सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की नहीं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और दूसरा मायावती जी, मायावती, है ना। दो महिलाएं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रही हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन होगा, बताइए क्या, बताइए दो, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी, बताएं। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें जो है यहां पर आरक्षित थी, आपको यहां पर बताना है क्वेश्चन नंबर 68 में। तो बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 68 का, 84 सीटें आरक्षित थी। कितनी सीटें आरक्षित थी, 84 सीटें इनके लिए आरक्षित थी। चलिए आप लोगों में से बहुत से लोग सही हैं, 69वां। चलिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो आपका इसका सही उत्तर होगा 1974 में, 1974। आइए 70वां प्रश्न है आपका, गीडा क्या है, GIDA, है ना, हाँ, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा, ठीक। आई 71वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है, बताइए। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने व्यापार कर जोन है, तो आप कहेंगे 14 व्यापार कर जोन, 14 व्यापार कर जोन है उत्तर प्रदेश में, है ना। सबसे कम अगर पूछ लिया जाए तो सबसे कम जो है कर इकट्ठा करता है झांसी जोन, लेकिन ये तो दो एडिशनल सूचनाएं हो गई। आपसे पूछा क्या गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रहण करता है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए, लखनऊ, लखनऊ उत्तर आपका सही होगा। 72वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, बताएं। उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, हरियाणा के साथ भी लगती है, पंजाब के साथ आपको बताना है कि लगती है कि नहीं लगती है, बताएं। तो यहां पर हां, पंजाब के साथ सीमा नहीं लगेगी, पंजाब के साथ सीमा नहीं लगती है। 73वां प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन है, चारों बना लेते हैं। चलिए सबसे पूर्वी शहर आपका बलिया है, सबसे आपका उत्तरी शहर सहारनपुर है, जानते हैं हम सभी लोग, सबसे दक्षिणी शहर आपका सोनभद्र है, सोनभद्र और ललितपुर लटके हुए हैं, लेकिन सोनभद्र ज्यादा लटका हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, सोनभद्र होगा। और अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पश्चिमी आपका कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जो है शामली है, शामली। ये चारों सीमा है, आपसे पूर्वी पूछा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बलिया हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बलिया होगा। रात बहुत हो गई है, लेकिन जुटे रहिए, जुटे रहिए, आज रिकॉर्डेड दे रहा हूं, लेकिन लाइव आना चाहता था, नेट ने साथ नहीं दिया, इसलिए रिकॉर्डेड देना पड़ा, क्षमा प्रार्थी हूं, जल्दी आपके समक्ष लाइव होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, जुटे रहना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 74वां, हाँ लक्ष्य, हाँ आपको बताना है कौन किससे संबंधित है, बहुत समय नहीं लगेगा, जल्दी से करते हैं। आइए, लक्ष्मू महाराज, फयाज खान, सिद्धेश्वरी देवी और तलत महतू, देखिए जितना पहले आ जाए उसको मिला लिया, जैसे हमें मालूम है सिद्धेश्वरी देवी बनारस की थी और ये ठुमरी से संबंधित है। चलिए तलत महबूद हम सब जानते हैं कि ये गजल से संबंधित है, क्लियर। अब लक्ष्मू महाराज हम सब जानते हैं, हाँ
कि लच्छू महाराज किससे संबंधित थे बताइए, कुछ उत्तर आप लोग करिए। तो लच्छू महाराज जो संबंधित थे वो किससे संबंधित थे, कत्थक से संबंधित थे। अब बस एक ही बचे हैं फयाज खान साहब, तो वो ध्रुपद से संबंधित थे। क्लियर? तो ये आपका सही सुमेलन अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कौन सा हो जाएगा, बी सुमेलन आप लोगों का सही हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न है 75वां। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार थारू की जनसंख्या सबसे अधिक है। ध्यान दीजिएगा, थारू की जनसंख्या सबसे अधिक है। क्लियर है? आइए अब ये 75 प्रश्न मैंने पहले क्रम में आप सभी लोगों को समर्पित किए, है ना, और दूसरा वीडियो भी तुरंत इसके बाद जो है रिकॉर्ड कराने चल रहा हूं, तब तक ये वीडियो आप तक पहुंचाता हूं और सुबह दूसरा वीडियो भी तुरंत पहुंचा दूंगा ताकि 160 प्रश्न आपके पूरे हो सके। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही, रात भर देखते रहिए, बने रहिए, दूसरा वीडियो भी तुरंत रिकॉर्ड करने चल रहा हूं आपके लिए और फिर जो है दूसरा वीडियो भी जल्द ही आपके समक्ष पहुंचाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।